हैं वो मोस्टली जो है एकलिंगी होते हैं, अर्थात उनमें नर अलग होता है और मादा जो है अलग होती है। लैंगिक प्रजनन जो है वो इनमें पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गैमीट्स जो है आपस में मिलते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलते हैं, जाइगोट बनता है, फिर उसमें क्लीवेज होगा और जो निषेचन है डिवाइड करते हैं। पहला देखिए जो है पहला सब फाइलम जो है पैलमेटोजोआ है, दो सब फाइलम इस फाइलम में हैं। पहले हम सब फाइलम की बात कर रहे हैं, पहला जो सब फाइलम है उसका नाम है पैलमेटोजोआ, इसको आप ध्यान से इसको प्रोनाउंस करेंगे पैलमेटोजोआ। पैलमेटोजोआ के अंतर्गत देखिए ऐसे इकाइनोडर्मेट आते हैं जिनमें संभ्रंत होते हैं, यानी जो किसी सबस्टेटम की सहायता से जो है किसी स्थान पर चिपके रहते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, अर्थात एक ही स्थान पर रहते हैं, वो मूवमेंट नहीं करते हैं। इस सब फाइलम में जो केवल एक ही क्लास जो है वो लिविंग है, जिसको हम कहते हैं क्रिनोइडिया, क्रिनोइडिया। इस वर्ग में देखिए समुद्री लिली या सी लिली या इसको हम फेदर स्टार्स के नाम से भी जानते हैं, उनको रखा गया है। इस क्लास में जो इकाइनोडर्मेट्स आते हैं उनको हम समुद्री लिली या फेदर स्टार्स के नाम से जानते हैं। यह अपने ग्रंथ के द्वारा जो है अपने किसी आधार से चिपके हुए रहते हैं, मतलब इनमें मूवमेंट नहीं होता है। मुख एवं गुदा जो हैं दोनों मुखी मुख सतह ओरल सरफेस पर उपस्थित होते हैं। इनमें देखिए जो मुख और जो एनस हैं वो दोनों जो है ओरल सरफेस पर ही पाए जाते हैं। मैड्रीपोराइट एवं पेडिसिलेरिया अनुपस्थित होते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैड्रीपोराइट जैसे मैंने बताया था आपको स्टार फिश के जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है उसमें एक सीव लाइक या छलनी जैसी रचना होती है जिसके होकर पानी जो है स्टार फिश की बॉडी में जाता है, लेकिन जो क्रिनोइडिया या सी लिली हैं उनमें मैड्रीपोराइट जो है एब्सेंट होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाएगा लेकिन उसमें मैड्रीपोराइट जो है अनुपस्थित रहेगा। पेडिसिलेरिया भी अनुपस्थित होते हैं। देखिए पेडिसिलेरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है जो कि इकाइनोडर्मेट की बॉडी पर अगर कोई सैंड पार्टिकल या कोई डेब्रिस कूड़ा करकट लग जाता है तो वहाँ से इसके पेडिसिलेरिया के द्वारा इनको जो है वहाँ से हटा दिया जाता है, तो ये सफाई करने का कार्य करते हैं पेडिसिलेरिया। इनकी जो भुजाएँ होती हैं वो शाखित होती हैं एवं पिन्यूल से युक्त होती हैं, है ना। इनकी जो भुजाएं हैं जनरली इसमें 5 भुजाएं पाई जाती हैं लेकिन वो ब्रांच्ड हो जाती हैं तो ज़्यादा दिखाई देती हैं। देखिए ये एक क्रिनोइडिया ये सीलीली का स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो इसकी जो भुजाएं हैं उनमें ब्रांचिंग हो गई है और ब्रांचिंग हो जाने के बाद देखिए इसमें साइड में ऐसे ऐसे पिन्यूल्स और निकलते हैं, तो बिल्कुल ये सी लिली लिली जो फ्लावर होता है उसकी तरह से ये दिखाई देने लगते हैं। अब देखिए इस जो क्लास थी क्रिनोइडिया, उस क्रिनोइडिया में एक ऑर्डर है आर्टिकुलेटा, है ना। आर्टिकुलेटा का जो एग्जाम्पल है वो समुद्री लिली जिसको हम एंटीडोन या सी लिली के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है वो फेदर स्टार है इसको हम न्यू मेट्रा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखिए और भी क्लासेस आती हैं पैलमेटोजोआ सब फाइलम में, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, जो देखिए हेट्रोस्टीलिया, सिस्टीडिया, ब्लास्टोइडिया और एड्रियो एस्टेरॉइडिया। ये सारी जो क्लासेस हैं 2 to 5, 2 से लेकर 5 तक जो क्लासेस हैं वो सब जो है विलुप्त हो चुकी हैं, मतलब इनके क्लास के अंतर्गत आने वाले जो जीव जंतु हैं वो सभी विलुप्त हो गए हैं। अब देखिए जो दूसरा जो सब फाइलम है वो है एल यू थेरोजोआ। पहला जो सब फाइलम था वो पैलमेटोजोआ था, दूसरा सब फाइलम यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं। और देखिए इस उपसंघ के अंतर्गत जो है जो इकाइनोडर्मेट आते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, और इसके अंतर्गत देखिए हम क्लासेस पढ़ेंगे। पहली जो क्लासेस है वो एस्टेरॉइडिया है, इस वर्ग के अंतर्गत जो है स्टार फिशेस और सी स्टार्स आते हैं। जो क्लास एस्टेरॉइडिया है सब फाइलम एल यूथेरोजोआ की, उसके अंतर्गत जो है स्टार फिश या इनको हम सी स्टार के नाम से जानते हैं। शरीर इनका चपटा होता है और तारे के समान होता है, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप ये स्टार फिश का फिगर मैंने लगाया हुआ है। देखिए ये इसकी ओरल साइड है,
ओरल साइट पर जो है माउथ है और एबोरल साइट पर जो है मैड्रीपोराइट और एनस उपस्थित होते हैं। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप ध्यान रखेंगे कि जो स्टार फिश की जो ओरल साइड है उस पर हमेशा माउथ पाया जाएगा और जो एबोरल साइड है उसमें मैड्रीपोराइट और एनस पाए जाते हैं। देखिए शरीर चपटा होता है, तारे के समान होता है, स्टार लाइक होता है, पांच खंडियां होते हैं, पांच इसमें भुजाएं हैं और अर्य सममित वाला होता है, रेडियल सिमिट्री इनमें पाई जाती है। मैंने बताया था आपको कि रेडियल सिमिट्री पाई जाएगी इनमें, है ना, इस प्रकार की जो है रेडियल सिमिट्री इनमें पाई जाती है। देखिए गुदा तथा मैड्रीपोराइट जो है एवोरल सरफेस पर उपस्थित होते हैं, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि एनस और मैड्रीपोराइट जो है वो एवोरल साइड पर उपस्थित हैं। पेडिसिलेरिया, पेडिसिलेरिया इनमें उपस्थित होते हैं और इनके अंतर्गत जो है बाइपिनेरिया और ब्रैंकियोलेरिया लार्वा पाए जाते हैं। जो स्टार फिश है, स्टार फिश का अगर हम लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे तो उस लाइफ साइकिल में हम देखेंगे कि बाइपिनेरिया और ब्रैंकियोलेरिया लार्वा जो है इनमें इनकी लाइफ साइकिल में पाए जाते हैं। देखिए इस क्लास एस्टेरॉइडिया में ऑर्डर पहला है फेनेरोजोनिया। फेलोडोरोजोनिया में देखिए जो एग्जाम्पल है वो एस्ट्रोपेक्टन है और ल्यूडिया है। दूसरा जो इसका ऑर्डर है वो स्पूनुलोसा है। इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल आते हैं वो एकाइनेस्टर और सोलेस्टर हैं। और तीसरी जो इसकी जो ऑर्डर है वो फोर्सीपुलेटा है। फोर्सीपुलेटा ऑर्डर में स्टार फिश को रखा गया है। इन ऑर्डर के मैंने एक दो दो करेक्टर भी यहाँ लिखे हुए हैं, आप चाहें तो उनको भी एग्जाम में लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इनको नहीं लिख पा रहे हैं तो इनके आप एग्जाम्पल्स को जो है ध्यान से नोट कर लेंगे। देखिए दूसरी जो क्लास है वो ऑफिरोइडिया है। ऑफिरोइडिया के अंतर्गत जो एकाइनोडर्मेट्स आते हैं उनको हम बिटिल स्टार्स के नाम से जानते हैं। बिटिल स्टार्स का मतलब होता है बहुत जल्दी, बिटिल मीन्स होता है बहुत जल्दी टूट जाने वाला। तो इनकी जो देखिए जो आर्म्स होती हैं वो बहुत जल्दी जो है ये अपनी आर्म्स को जो है अपने प्रोटेक्शन में छोड़ देते हैं। जैसे ही कोई जीव इन पर अटैक करता है तो ये वहाँ से उस आर्म को छोड़ के वहाँ से फिर ये डिसअपीयर हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम जो है ऑटोटोमी कहते हैं, ऑटोटोमी। और ये मैंने बताया था कि लिजर्ड में भी देखने को मिलता है। लिजर्ड में जब कोई लिजर्ड को अटैक करता है तो वो अपनी जैसे टेल को छोड़कर और अपनी पूरी बॉडी के साथ वहाँ से फिर डिसअपीयर हो जाता है। अनेक लक्षणों में ये जो बिटिल स्टार्स हैं वो स्टार फिश के समान ही होते हैं। इनमें एम्बुलेक्रल जो ग्रूव होता है या खांच होती है वो अनुपस्थित होती है। पेडिसिलेरिया जो है उपस्थित होते हैं। पेडिसिलेरिया मैंने बताया था कि जो डर्ट है या सैंड पार्टिकल हैं या कोई गंदगी या कोई डेब्रिस इनके बॉडी पर लग जाती है तो पेडिसिलेरिया की सहायता से ये उसको रिमूव कर देते हैं। इनका देखिए मुख एवं मैड्रीपोराइट ओरल सरफेस पर पाए जाते हैं और इसका जो एग्जाम्पल है वो बिटिल स्टार है। देखिए यहाँ पर मैंने बिटिल स्टार का फिगर बनाया हुआ है। इस बिटिल स्टार में जनरली जो है देखिए पांच भुजाएं हैं और ये पांचों भुजाएं जो हैं बहुत ही फ्रेजाइल होती हैं, बहुत ही जल्दी ये इनको छोड़ सकते हैं। जैसे ही कोई एनिमल या इनका जो प्रेडेटर है या इनका जो परवच्चक है जैसे ही उन पर अटैक करता है तो ये अपनी आर्म को वहाँ से छोड़ के इस तरीके से ये कट हो जाती है आर्म्स और वो चला जाता है। अब इसके अंतर्गत देखिए जो ऑफिरोइडिया क्लास है उसमें बहुत सारे ऑर्डर हैं। पहला जो ऑर्डर है वो ऑफ्यूरी है। ऑफ्यूरी में देखिए जो एग्जाम्पल है वो ऑफ्यूरा है या ऑफ्यूडर्मा है। दूसरा जो ऑर्डर है वो यूरिली है, है ना, इसमें जो एग्जाम्पल है वो गॉर्गोनोसेफेलस है। और तीसरा जो अब देखिए तीसरी जो क्लास है सब फाइलम सेकेंड की, हम तीसरी क्लास की बात कर रहे हैं। ये तीसरी क्लास जो है वो इकाइनोइडिया है। इकाइनोइडिया के अंतर्गत जो इकाइनोडर्मेट्स आते हैं उनको हम सी अर्चिन या सैंड डॉलर के नाम से जानते हैं। शरीर जो है इनका सूलों से या जो स्पाइन्स होते हैं या कांटे होते हैं उनसे ढका रहता है। इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो एरिस्टोटल लैंटर्न पाया जाता है। पेडिसिलेरिया जो है अनुपस्थित होते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे छुप गया है, लेकिन पेडिसिलेरिया जो है वो इकाइनोइडिया में अनुपस्थित होते हैं। अब देखिए इसके ऑर्डर की बात करें तो देखिए इसमें ऑर्डर हैं स्टेरोडोंटा है और इसका जो एग्जाम्पल है वो आरबीसिया है। सेकंड जो ऑर्डर है वो
कैमरोडोंटा है, इसका जो एग्जाम एग्जाम्पल है वो इकाइनस है। तीसरा जो ऑर्डर है वो क्लाइपेस्ट्रोइडिया है, इसका जो एग्जाम्पल है वो क्लाइपेस्टर है। चौथा जो ऑर्डर है वो स्पेटेंगोइडा है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो स्पेंटेगस है ना। तो ये ऑर्डर भी आपको याद रखने हैं, क्लासिफिकेशन में लिखने हैं, और प्रत्येक ऑर्डर के साथ आप ये ध्यान रखेंगे कि उसका जो एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल को आप एक दूसरे ऑर्डर में मिक्स नहीं करेंगे। देखिए चौथी जो क्लास है वो है होलोथुरोइडिया, और होलोथुरोइडिया क्लास के अंतर्गत जो इकाइनोडर्मेट्स आते हैं उनको हम कॉमनली जो है समुद्री खीरे या कुकुम्बर सी कुकुम्बर के नाम से जानते हैं। इनकी बॉडी देखिए इलोंगेटेड होती है, ये इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर है होलोथुरोइडिया का कि इनकी जो बॉडी है वो इलोंगेटेड है, लंबी है। इनकी जो नालपाद में चूसक पाए जाते हैं, मुख एवं गुदा जो है विपरीत ध्रुव पे होते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो ओरल और एबोरल सरफेस नहीं है, यहाँ पर एंटीरियर एंड है और पोस्टीरियर एंड है। जो मुख एवं गुदा हैं वो विपरीत ध्रुवों पर होंगे, अर्थात एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड पर उपस्थित होते हैं। भुजाओं और एवं सूलों का इनमें अभाव होता है, देखिए यहाँ पर जो है भुजाएं नहीं है। पेडिसलेरिया अनुपस्थित होगा, और श्वसन जो है वो रेस्पिरेटरी ट्री इनमें पाया जाता है, इनको श्वसन वृक्ष कहते हैं, वो उपस्थित होता है। क्लास होलोथुरोइडिया की अगर हम ऑर्डर की बात करें तो देखिए इसमें जो पहला ऑर्डर है वो एस्पिडोक्रोटा है। एस्पिडोक्रोटा में जो एग्जाम्पल है वो होलोथुरिया है, जिसको हम सी कुकुम्बर के नाम से भी जानते हैं। इसका जो देखिए दूसरा जो ऑर्डर है वो इलेसीपोडा है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो पोलगा है। तीसरा जो ऑर्डर है वो डेंड्रोचिरोटा है, इसका जो एग्जाम्पल है वो कुकुमेरिया है। और चौथा जो ऑर्डर है वो मोलपाडोनिया है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो मोलपेडिया है। तो आप लोगों ने आज फाइलम इकाइनोडर्मेट्स के करेक्टर्स और उसके अंतर्गत जो इसका जो क्लासिफिकेशन है उसमें दो सब फाइलम थे। पहले सब फाइलम में जो है एक क्लास थी, और दूसरे सब फाइलम में चार क्लासेस थी। सभी के आपने डिफरेंसेस और उनके एग्जाम्पल्स को आपने देखा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये कई बार पूछा जाता है कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जो क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और उसके क्लासिफिकेशन को ऑर्डर लेवल तक क्लासीफाई करके लिखें। तो इसको आप जो है अपनी कॉपीज में अपने जो है आपके नोट्स हैं उनको बना लीजिए, और आपको फर्दर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो ये फिर आप हमें हमारे व्हाट्सअप से या हमारे जो यूट्यूब चैनल का जो कमेंट बॉक्स है वहाँ से आप हमको कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।